मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज आपके सामने बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ, गुड न्यूज़। और जो न्यूज़ है वो पूरी बताने की कोशिश करूँगा और आगे आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। आज का जो मैं जो बता रहा हूँ, जो 1 सितंबर 2023 यानी अभी चल रहा है मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मीन्स 5 महीने बाद अगर आप सिंगापुर में काम कर सकते हैं, NTS ऑक्यूपेशन लिस्ट ये नई आई है। देखो, NTS का मतलब क्या है? नॉन ट्रेडिशनल सोर्स की जो लिस्ट आई है, मीन कहने का मतलब जो पहले लोग होटल इंडस्ट्री में इंडिया से काम करते थे, एस पास पर आते थे, लेकिन अब आप लोग वर्क परमिट पर भी काम कर सकते हैं होटल इंडस्ट्रीज़ में, मेटल वर्क्स में। यानी कहने का मतलब जो 1 सितंबर 2023 के बाद जैसे किसी होटल इंडस्ट्री में आपके पास जॉब है तो वो एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट पर भी अप्लाई कर सकता है और एस पास पर भी अप्लाई हो सकता है। यानी अभी से पहले से जैसे कोई भी बंदा इंडियन है जो सिंगापुर में काम करने के लिए आ रहा है वर्क परमिट पर, 1 सितंबर 2023 यानी 5 महीने बाद होटल में भी काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन में तो कर ही सकता है। तो उन्होंने नॉन NTS ऑक्यूपेशन लिस्ट बना दी है तो और जो लागू होगी वो 1 सितंबर 2023 से होगी। स्क्रीनशॉट पर कुछ देख लो और आप भी एक या दो दिन में, मैं पहले डिटेल्ड में आपको वीडियो बना के दूंगा क्या ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसमें ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो है होटल में अगर कुक हो तो आप भी वर्क परमिट पर सिंगापुर में कोई भी इंडिया का एक्सपीरियंस है तो आप आराम से काम कर सकते हो। और वो कम उसका जो वर्क NTS वर्क परमिट की जो कोटा है वो 8% है। तो 8% का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी में 10 आदमी है तो एक आदमी वर्क परमिट पर काम कर सकता है होटल इंडस्ट्री में। तो एक अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। और हाँ, मैंने यार एक नया चैनल बनाया RR इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी उसका है। तो वहाँ पर 40 से 50 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं उस शेयर मार्केट से आप जुड़े इन्वेस्टिंग आइडियाज़ वहाँ पर है। तो इसको समझते हैं, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो सितंबर के बाद उनकी पढ़ाई पूरी होगी या चाहे OJT, तो उसके बाद उनके पास बहुत सारा मौका है काम करने का वर्क परमिट पे, मीन्स होटल इंडस्ट्री में एस पास भी मिल जाएगा, वर्क परमिट पे भी मिल जाएगा। लेकिन सैलरी क्या होनी चाहिए? आपकी वर्क परमिट की जो सैलरी होगी वो $2,000 मिनिमम उनका क्राइटेरिया है और कंपनी के पास 8% का कोटा है। यानी अगर 100 एम्प्लॉई हैं कोई बड़ी कंपनी में तो 8 इंडियन काम कर सकते हैं और नॉन ऑक्यूपेशन, नॉन ट्रेडिशनल सोर्स, तो जैसे मेटल वर्क है, स्टील वर्क है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आपका कुक आ गया, वेटर आ गया, कैशियर आ गया, इन तरह की जो जॉब्स हैं वो आप वर्क परमिट पर भी आगे 1 सितंबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बहुत खुशी की बात है, पहले क्या हुआ करता था कि जो हमेशा हम काम करते थे एस पास के लिए ही कोटे की प्रॉब्लम है, तो अब क्या है, वर्क परमिट भी आप अप्लाई कर सकते हैं 1 सितंबर 2023। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो आएगी और जो स्क्रीनशॉट आ रहे हैं उसको देख लो और अभी चलते हैं फिर आगे मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊँ। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं तो क्योंकि ऐसा होता था हमारे जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करके उनको जॉब की प्रॉब्लम था, अब डिप्लोमा भी ख़त्म हो जाएगा तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है वर्क परमिट की भी और एस पास की भी। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।